तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू दी ब्लॉग। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज हम जा रहे हैं देवता जी के दर्शन करने, देव महेश्वर जी के दर्शन करने। आज साझा है तो साझे के दिन हम देवता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आओ आपको बताते हैं और देवता के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं देवता जी के दर्शन करने और साथ में हमारे और भी लोग हैं। हमारी मम्मी आगे चल रही है जहाँ पे हमारा घर है भाई। यहाँ से ये आप देख सकते हैं घर का व्यू, यहाँ से नीचे इस साइड को हमारा घर है और ये कुछ व्यू यहाँ का। अरे भाई यार ये देखो, ये कुत्ता हमारे साथ जा रहा है, हमारा डॉगी जिसका नाम रॉकी है। यार हर बार मेरे से पहले चल पड़ता है देवता के दर्शन करने। घर से थोड़ा सा ऊपर ये सड़क में पहुँच गए, मेन रोड में हम। ये रास्ता भाई सीधे इस साइड को घर की तरफ जाता है और ये सीधा आगे बदन की तरफ। और ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हमें जाना है देवता जी के दर्शन करने। रुक, हेलो करो, हेलो करो। कुटना ना आया थे लगना जो पता। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बदहन। ये आप नीचे देख सकते हैं बदहन मार्केट। भाई ये जो रास्ता, ये सड़क यहाँ से आती है शिमला से और यहाँ पे बदहन से आप सीधा ऊपर जा सकते हैं। किलोमीटर का रास्ता ये और 30-35 मिनट का लास्ट रास्ता है यहाँ से ऊपर मंदिर तक। यहाँ से जा सकते हैं आप यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे कोठी भी है देवता की। तो और जहाँ पे जो जहाँ हम जा रहे हैं आज देवता जी के मंदिर शीर्षधार, वो ऊपर यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों तो ये हम निकल चुके हैं यहाँ से फेगड़ू से ऊपर की तरफ। आप फेगड़ू में अगर आप पहुँचते तो यहाँ से आपको सीधा रास्ता मिलेगा मुशीशधार की तरफ। मुशीशधार मुंडलीधार यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ। हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं यहाँ पे जो कि बाइक चला रहे हैं। और ये पहाड़ी की तरफ ऊपर की तरफ रास्ता जाता हुआ मेरी दशा कुंड। यहाँ पे बाइक स्टैंड, बाइक लगाई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे फेगड़ से थोड़ा सा ऊपर बजीहण में यहाँ पे हमने बाइक लगा दी है। और ये आप हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ राकेश जी चले हुए हैं जो कि हमारे बाइक करें। हाँ और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से कुल मिला के शायद 10 मिनट का रास्ता है। और ये आप ऊपर देखते हैं एक श्रद्धालु यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं नीचे से, ये देखिए। और बाकी आपको दिखाते हैं बाकी ऊपर पहुँच के कैसा नज़ारा है ऊपर का। तो भाइयों ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मुशीशधार में, ऊपर पहुँच चुके हैं। ये हमारे साथ राकेश जो कि अपनी पेट पूजा करते हुए देवता को पूजने से पहले अपनी पेट पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत गजब जगह है भाई, चलो कौन। बाकी आपको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और जगह बताते हैं। शीशदार में इसके साथ आपको जगह के दर्शन कराते हैं देवता जी के। बाकी ये देखिए भाई जगह कितनी खूबसूरत है यहाँ पे। देवता जी के बारे में कहूँ तो देवता जी को यहाँ पे महेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है, महेश्वर जी के नाम से। सुकेत की राजदरबारी देवता इनको जाना जाता है। ये आप मंदिर देख सकते हैं इनका ऊंचे पहाड़ों में और यहाँ से सीधा आप ऊपर मुंडलीधार।
यहाँ से टॉप का व्यू, ये पूरी मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से, खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने वाली पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये नीरी मार्केट है, यहाँ पे नीरी कॉलेज भी दिख रहा होगा शायद। और भाई नीचे से 1 किलोमीटर का रास्ता है ये, अगर आप फेगड़ू से आते हो तो कम से कम 15 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। जी भाइयों, देखिए मशीशर देवता जी के बारे में आप कहीं भी जान सकते हैं, करसोग सुकेत रियासत में जहाँ भी आप पूछे, जिस मंदिर में आप पूछे, शायद मैक्सिमम लोग देवता मशीशर जी को जानते हैं। अच्छा प्लेस है यहाँ पे हमारे कुल देवता जी। भाई अभी साजा है तो साजे के दिन आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं अभी, और भांडे धोते हो कहाँ धोते हो भांडे आप? अपने घर में। अच्छा इधर देखो बोला, इधर देखो बोला, इधर आओ, इधर आओ। दोस्तों ये हमारे बीच में राकेश जी, जो कि अभी देवता के दर्शन करके आए हैं अंदर से, और हम हो चुके हैं भाई एकदम फ्री। इसी के साथ भाई जितने भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं कृपया ध्यान दें, यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह, जैसे कि यहाँ पे देवता की एक सर है जो, जहाँ पे देवता का पानी वहाँ पे मत जाएं बिना इजाज़त के, परमिशन ले प्लीज़। जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो यहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धालु। भाई काफ़ी सारे जो केस है यहाँ पे ऐसे आए कि काफ़ी सारे लोग देखे गए जो कि हर कहीं घुसने लगते हैं, तो कृपया करके पहले पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, फिर उसके बाद कहीं भी घुस जाएं। दोस्तों तो ये है देवता की सौर, जहाँ पे देवता के लिए पानी यूज़ किया जाता है। तो भाई कृपया करके यहाँ पे कोई भी ऐसे बिना परमिशन के यहाँ पे मत जाएं, यहाँ खास कमेटी के लोगों को जाने के लिए कहा जाता है, ऐसे हर कोई नहीं जा सकता। तो भाई प्लीज़ यहाँ पे मत जाएं किसी भी चीज़ में, जैसे सामने है मंदिर, यहाँ पे मत बैठे, यहाँ पे अंदर पानी निकालने मत जाएं भाई, ये आप सभी से अनुरोध है। ये जगह भाई खास देवताओं की है, तो कृपया करके जो कमेटी के लोग हैं उनको जाने का यहाँ पे अलाउ है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। देखने को मिली जो इसके अंदर घुसे हुए थे, तो भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, इसका विशेष ध्यान रखें। और भाई बाकी हमारे साथ अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम यहाँ पे मशीशधार में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे साथ ये देखिए भाई, अब बाकी आपको अगले साजे में यहाँ पे आएंगे तो बताएंगे, मैं जानकारी एक हाँ जी जी। बाकी यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी हमारे को कमेटी के जो मेंबर हैं वो नहीं मिले हैं, तो उनसे हम अगली बार पूछताछ करेंगे, कुछ नई जानकारी लेंगे, तो तब तक के लिए भाई बने रहिए इस भाई। तो सभी लोग चल पड़े हैं घर की तरफ, देवता से आशीर्वाद प्राप्त करके सभी चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो भाई हम चल पड़े हैं घर की तरफ, भाई राकेश जी बाइक चलाते हुए। हेलो तो भाई ये फेगड़ू से ऊपर की तरफ ही रास्ता मशीशधार की साइड, फेगड़ू में बस पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने आप देख सकते हैं नीरी कॉलेज। शाम का ये नज़ारा भाई, टाइम हो चुका है कम से कम कितने बज गए, 4:30 से ज़्यादा होगी भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे तहसील के पास हम पहुँच गए, तहसील से सीधा ये रास्ता ऊपर की तरफ है मशीशर मंदिर की तरफ, जिसने आना है। और ये नीरी कॉलेज सामने भाई। तो आज का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है, काफ़ी इन्जॉय किया हमने आज, देवता जी के दर्शन किए। नहीं हाँ, हमें लगता हुआ घर की तरफ है।
इधर की तरफ। ये दियम शिशु जी की कोठी यहाँ पे नीचे नीचे। तो भाई आज का सफर हो चुका है हमारा खत्म, हमारे साथ राकेश अभी भी मौजूद हैं। तो भाई जिसको ये व्लॉग अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई, जितना हो सके भाई वीडियो को फैलाओ। और बाकी मिलते हैं भाई अगले साझे में, नेक्स्ट व्लॉग में अपने। तब तक के लिए जय दियम शिशु, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपकी यात्राएं जो यात्राएं कर रहे हैं वो मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।